मूवी तुम देख चुके हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए बात करते हैं। एक मूवी देखी है, अगेंस्ट द नाइट, एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद जो कि ये सारे जॉनरे हैं और ये जो सारी बातें हैं ना भैया, ये सब गलत हो जाती है। चलिए इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस मूवी में कहानी फोकस करती है भाई एक कुछ दोस्तों पर, जो कि भाई एक बंद जेल में एक हॉरर फिल्म को बनाने के लिए जाते हैं। तो एक वहाँ पर उनका एक एक जो के साथी है भैया गायब होने लग जाता है। अब उसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या वजह है भैया, उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें अपना 1.5 घंटा टाइम देना पड़ता है, जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है भाई। शुरू से एंड तक जो इस मूवी में चलता है, कोई एक सीन आप ले सकते हो कि 5 मिनट इस मूवी में भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बैठेगा। जितने करेक्टर्स हैं, जितने डायलॉग लिखे गए हैं, एकदम बेकार हैं। किसी करेक्टर डेवलपमेंट से लेकर कुछ ऐसा नहीं है, कोई करेक्टर ऐसा नहीं, कोई बंदा ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता जिसके साथ आपका इमोशनल लगाव हो जाए, केयर हो जाए कि भैया ये बंदा बच जाना चाहिए। इनके गायब होने के पीछे जो मिस्ट्री खुलती है भाई, वो एकदम देखने में सिली लगती है। और जो कि इसमें म्यूज़िक यूज़ किया गया है वो बदबू मारता है, यानी कि सुनने में कान पक जाते हैं, जैसा कि म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने दिया है। और तीसरी चीज़ इस मूवी में जो कि भैया एडिटिंग की गई है, ज़्यादातर तो कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आती कि भैया हो क्या रहा है इस मूवी में। तो हॉरर छोड़ो, जब बच्चा भी डरने वाला कुछ ऐसा नहीं है इस मूवी में जो कि तुम्हें देखने पर आमादा करे, यानी कि कुछ 5 मिनट भी इस मूवी में तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। अगेंस्ट द नाइट नाम है इसका, तो इस मूवी के अगेंस्ट हो जाओ। अगर तुमने देख ली है तो फिर तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अगर नहीं देखी तो तुम्हें राय यही है कि अपना कीमती टाइम भूलकर भी इस मूवी पर मत देना। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो मुझे अगर इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो कोई रेटिंग नहीं देने वाला मेरे भाई। ये मेरी उन मूवीज़ की लिस्ट में शामिल है जो कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार मूवीज़ देख चुका हूँ, उनमें भी इनकी लिस्ट में टॉप 10 में आ जाती है। चलिए वीडियो करते हैं पर ख़त्म। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।